इस बार की राम बारात जितनी वीआईपी कल्चर और हाईटेक में तब्दील हुई, उतनी ही फूहड़ता और अश्लीलता में तब्दील हो गई। राम बारात के कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, क्या उत्तर भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख धार्मिक राम बारात का यही स्वरूप रह गया है। देखिए किस तरह से अश्लील डांस के माध्यम से फूहड़ता इस राम बारात में फैलाई जा रही है। ये एक नहीं बल्कि कई झांकियां थीं। इस पर मनका मिश्र के महंत योगेश पुरी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। ये बहुत ही फूहड़पन है, बहुत ही अश्लीलता की पराकाष्ठा है कि जिसके अंतर्गत में एक लौंडा लड़का डांस वगैरह करके उसको किया गया है, और जिस प्रकार से वहां पर जो भाव भंगिमाएं रखी गई हैं, मुझे नहीं समझ में आता है ये राम बारात का किस ओर ये राम बारात को लेके जा रहे हैं। हमारे जैसा कि कहा जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा, कि उत्तर भारत की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक रामलीला है, लेकिन उस रामलीला के अंतर्गत में ऐसे ऐसे अश्लील नृत्य हो रहे हैं। आप विचार करिए कि अगर ऐसे अश्लील नृत्य अगर हो रहे हैं और किए जा रहे हैं, तो जरा ये सोचिए कि रामलीला जी, रामलीला का जो कि राम के चरित्र का परिचय देता है, वह उसको हमारे यहाँ किस प्रकार से लिया जाएगा। जहां ये कहा जाता है चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा यहाँ बच्चा बच्चा राम है, उस राम की बारात में इस तरीके की अश्लील नृत्य और फूहड़ता देखने को मिलेगा, ये मुझे कमेटी के पदाधिकारियों से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। मनकामेश्वर मंदिर के महंत ने इन अश्लील वीडियो को अपने फेसबुक पर अपलोड किया और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों पर कमेंट्स भी किया। उनका कहना था कि उन्होंने इस बार राम बारात में इस तरह की झांकियों को लाकर राम बारात का स्वरूप बदलने का प्रयास किया है, वह संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। कोई पदाधिकारी इस बात को कहने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। साहब एक हो तो बात करो ना, एक जो है वो डांस नहीं था, ऐसे कम से कम तीन चार पांच छह जो है गुटों में बटकर के ये निकला है। पता नहीं दिखाना क्या चाह रहे हैं, शो क्या करना चाह रहे, और ये कौन से देवता हैं, ये कौन सी स्वरूप का ये जो है नृत्य चल रहा है, या कौन सी भाव भंगिमाएं ली जा रही है भगवान नाम के प्रति, ये कैसा आदर्श भाव चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता। राम जी की जब बारात निकलती है तो हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि वह राम जी की बारात में एक संदेशात्मक जो है झांकियों का अस्तित्व होता है, जैसे कि उसमें शुभम गुप्ता का बच्चे का निकला, बहुत अच्छी झांकी थी, बानरों की सेना निकली, बानरों की टोली निकली, बहुत अच्छी झांकी थी, भगवान शिव भी अपने नंदीगण पर, विशाल नंदीगण पर सवार होकर के निकले, अच्छी झांकी थी। लेकिन ये सब चीजें, ये जो लड़का डांस वगैरह जिस तरीके, मैंने तो अभी बीच में, मेरे पास में वो वीडियो किसी ने मुझे भेजा, मतलब मेरे को पता लगा कि एक ट्रैक्टर में ट्रॉले में पानी भर के उसमें लड़के लोग लड़कियों का स्वरूप बना करके अश्लील नृत्य कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। और सीधी सी बात है, मेरे कमेटी के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया राम बारात की गरिमा को और अस्तित्व को बनाए रखें।